सरकार के अंदर आने वाले दो स्कूल जिसमें शिक्षा तो निःशुल्क है लेकिन अभिभावकों से लिए जा रहे हैं पैसे। जी हाँ, दरअसल अभिभावक रविंदर मंडल का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में करवाया था जो कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन अब वहाँ की प्रधानाध्यापिका नए तरह का कानून बनाकर सालाना 3200 रुपए देने को कह रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी जीविका बहुत निम्न है, वे एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की इच्छा रखते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे शिक्षा विभाग डिप्टी डायरेक्टर DCPCR शिक्षा मंत्री तक को आवेदन लिख चुके हैं और इंक्वायरी ऑफिसर्स भी आए, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे और भी कई अभिभावक हैं जिन्हें ये शिकायतें हैं। उन्होंने MUZ न्यूज के माध्यम से अपनी ये सारी बातें साझा की हैं। आइए देखें। आपसे फीस के बारे में किसी तरह की गवर्नमेंट की नोटिस दिखाई गई है? आप जो फीस दे रहे हो उसका आपको रसीद मिल रहा है? नहीं, नहीं। ये क्या बोल के रसीद ये पैसे आपसे दिए जा रहे हैं? बारहवीं तक डोनेशन तो आपको भी पता है कि कहीं भी कोई डोनेशन दिया जाता है तो उसकी एक पर्ची कटती है। क्या आपके पास वो पर्ची उपलब्ध है या स्कूल में वो पर्ची नहीं दी है? तो आपने पैसे किस नगद दिए या चेक से दिए? तो नगद आपने दिया और उन्होंने प्राप्त किया, इसकी कोई आपके पास कॉपी पास नहीं है? तो अगर कल स्कूल वाले कहें कि मैंने दिया ही नहीं है तो आपको पता है अगर आप नहीं देते हो तो इसका मतलब है ये एक आदान प्रदान जो है वो वैध नहीं है। तो आप लोगों ने क्यों दिया, इसका क्या कारण? फीस के तौर पे ले रहे हैं ना, आपको ये देना ही पड़ेगा। और अगर हम मान लीजिए अगर आपने मना किया होता नहीं अगर एक बार में आप नहीं दे पाओगे 3200 रुपए तो आप दो बार में दीजिए। तो हम तो दो बार में दिए हैं सर, पिछले साल भी, अब की बार तो पूरा इस चीज की जानकारी आपने इस संबंधित उच्च अधिकारी को बताया आपने? हम तो आपस में ही बात किए थे, तो आपको ये भी डर है कि अगर मैं उच्च पदाधिकारी को ये बताऊं तो आपके बच्चे के साथ साथ अन्याय हो या स्कूल में किस तरह की असुविधा ना हो या निकाल दिया जाए, इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती है। या तो बड़ा उचित है कि वो आपको इसका डर लगा ही रहेगा क्योंकि आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई खराब होगी, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। हमारे बच्चे के साथ कुछ ना करें, इस भविष्य के लिए तो आप यहाँ पर दिल्ली में आए हो और यहाँ पर आकर अगर कोई कहे कि निकाल देगा तो सच में ये बहुत डर की बात है। और ठीक है आपने नहीं कहा है, ये तो सही बात है, आपने सही सोचा है, लेकिन जब हम सब मिलके खड़े हो गए तो थोड़ा डर तो कम हो गया। लेकिन ये इस बात की जानकारी हमारे चैनल को हुआ और हमने चाहा कि नहीं इस या हमेशा आप लोगों के साथ इस तरह की अगर दुश्वार की जा रही है तो शायद इसकी संज्ञान जो है हम सरकार के तक पहुँचाए और दिल्ली सरकार को भी ये पता होनी चाहिए कि सही में जायज फीस है वो ले, प्रिंसिपल मैडम सबसे बाहर से भी हुआ, मैम आपको स्कूल बनाने तो आप सरकार से मदद लीजिए, पेरेंट्स को अगर हम लोग से भी लेना तो हम लोग का मैडम को लो ना, हम लोग भी बता के लो ना, मैडम कैसे लो ना, चलिए आप हमें दिला दीजिए। तो यहाँ तक हम इसे बात करके तो कुर्सी पर क्यों बैठे, आप स्कूल बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।
इनसे तो हुआ था, ये तो मुझे बाद में बस थे। हमसे बहुत बहस हुआ था, जिसको जो बच्चे तीन चार बच्चे हैं, चार बच्चे मेरे से मुझे चार बच्चे हैं उस स्कूल में, मेरे दो बच्चे हैं एक चार बच्चे हैं, चारों का तीनों बच्चे दो तो सौ और बढ़ा दिए, 9000 9400 फीस के तौर पे ले रहे हैं ना सर, हम अपना रजिस्टर पर चढ़ा रहे हैं, आपको ये देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे और अगर हम मान लीजिए अगर आपने मना किया होता नहीं अगर एक बार में आप नहीं दे पाओगे तो आप दो बार में दीजिए, तो हम तो दो बार में दिए हैं सर पिछले साल भी, अब की बार तो पूरा एक। इस चीज की जानकारी आपने इस संबंधित उच्च अधिकारी को बताया आपने? हम तो आपस में ही बात किए, उनसे बताए थे, आप बताए। तो आपको ये भी डर है कि अगर मैं उच्च पदाधिकारी को ये बताऊं तो आपके बच्चे के साथ साथ अन्याय हो, या स्कूल में किस तरह की असुविधा ना हो, या निकाल दिया जाए, इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती है। तो बड़ा उचित है कि वो आपको इसका डर लगा ही रहेगा, क्योंकि आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई खराब होगी, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, इस भविष्य के लिए तो आप यहाँ पर दिल्ली में आए हो, और यहाँ पर आकर अगर कोई कहे कि निकाल देगा तो सच में ये बहुत डर की बात है। और ठीक है आपने नहीं कहा है, ये तो सही बात है, आपने सही सोचा है, लेकिन जब हम सब मिलके खड़े हो गए तो थोड़ा डर तो कम हो गया, लेकिन ना, हम दस खड़े। इस बात की जानकारी हमारे चैनल को हुआ और हमने चाहा कि नहीं इस या हमेशा आप लोगों के साथ इस तरह की अगर तो दुश्वार की जा रही है तो शायद उसकी संज्ञान जो है हम सरकार के तक पहुँचाए, और दिल्ली सरकार को भी ये पता होनी चाहिए कि सही में जो जायज फीस है वो ले लो, प्रिंसिपल मैडम सबसे बाहर से भी वहाँ पर मैम आपको स्कूल बनाने तो आप सरकार से मदद कीजिए, पेरेंट्स को अगर हम लोग से भी लेना है तो हम लोग तो मैडम को लो ना, हम लोग भी बता के लो ना, मैडम का है लो ना, चलिए आप हमें दिला दीजिए, तो यहाँ तक हम इसे बहस करते तो कुर्सी पर क्यों बैठे, आप स्कूल बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इनसे तो हुआ था, ये तो मुझे बाद में बस थे, हमसे बहुत बहस हुआ था, जिसको जो बच्चे तीन चार बच्चे हैं, चार बच्चे मेरे से मुझे चार बच्चे हैं उस स्कूल में, मेरे दो बच्चे हैं एक चार बच्चे हैं, चारों का तीनों बच्चे दो तो सौ और बढ़ा दिए, 9000 लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।